ऊंची सोच कुछ करने का जुनून, नाम है अर्जुन। वन्य जीवों को बचाने के लिए ये जोखिम में डाल देते अपनी जान। जंगली जानवर के प्रति भी संवेदनशील, इनका नाम है अर्जुन कुमार। ये बतौर वाल्मीकि नगर थानाध्यक्ष सेवा दे रहे हैं। रात्रि गश्ती के दौरान यदि इन्हें कोई जंगली जानवर दिख जाता तो वे उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में देर नहीं करते। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बड़ी संख्या में लोग वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए ब्लेड नुमा तार की बाड़बंदी करते थे, जिससे भालू हिरण जैसे जानवरों को बहुत नुकसान होता था। लोग खतरनाक तारों से बाड़बंदी ना करें, इसके लिए अभियान चलाया गया है। वहीं खेतों में रखवाली के लिए रखे जाने वाले शिकारी रखवालों पर भी रोक लगाई गई। शिकारी वन्य जीवों का शिकार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अर्जुन का मानना है कि मानव जीवन को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी वन्य जीव हैं वे मनुष्य के लिए हितकारी हैं। इसके संरक्षण से ही मानव जीवन को बचाया जा सकता है। जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। थाने में अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी गश्त करते हैं। शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में इजाफा। VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में इजाफा हुआ है। चीतल, सांभर और नील गाय आमतौर पर सहजता से नजर आने लगे हैं। वन विभाग के अनुसार हिरणों की संख्या लगभग 240 हो गई है। पहले यह संख्या करीब 150 थी। इसी तरह भालुओं की संख्या 80 से बढ़कर 170 हो गई है। दरअसल शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व में शानदार घास के मैदान विकसित किए गए हैं, जो हिरण व नील गाय जैसे शाकाहारी वन्य जीवों के लिए पसंदीदा स्थान है। खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।